अस्सलाम वालेकुम। मैं आज एक छोटा सा मसला है हमारा, हम यहाँ पे फैसलाबाद के पास एक जुमरा के नजदीक एक फैक्ट्री है टाइम्स श्रामेस के नाम से, तो चाइनीज कंपनी है और ये यहाँ पे टाइल्स बननी है, श्रामिक टाइल जो होती है ना वो बनती है। तो यहाँ पे तकरीबन 200-300 वर्कर्स जो है ना वो काम कर रहे हैं और हमारा यहाँ पे 12 घंटे की ड्यूटी है। और मसला ये है कि यहाँ पे नमाज के लिए एक मिनट भी नहीं दिया जाता। एज अ मुस्लिम अगर हम देखें तो हमें हमारे मुल्क में अगर इस चीज की इजाजत नहीं है तो हम किसी और मुल्क में जाके क्या कर सकते हैं। हम रोजाना कहते हैं कि बर्मा में ये जुल्म हो रहे हैं, फला मुल्क में ये जुल्म हो रहे हैं, फला मुल्क में ये जुल्म हो रहे हैं। अगर हमारा मुस्लिम कंट्री जो एक पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बिना पे बना था, उस कंट्री में उस मुल्क में हमें इस चीज की इजाजत नहीं है, आजादी नहीं है, तो हम किसी और जगह पे जाके क्या कह सकते हैं। तो हमारी एक सबसे एक छोटी सी इल्तमास है पैमाने बाला से कि इस चीज को जो है वो इसके बारे में नजरअसाने की जाए। ठीक है हमारे चाइना के साथ बहुत अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, लेकिन उसको हम इस मसले को पुसे पर्दा नहीं डाल सकते कि ये जो बात है इसको हम इग्नोर कर दें और इसको इसमें कोई बात ना की जाए या इसका मसले को हल नहीं किया जाए और इस बात को दबा के कंप्रोमाइज कर लिया जाए कि ठीक चले ठीक है चाइना हमारे पास इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो इस बात को हम इग्नोर कर दें। जो बंदा बात कर रहा है उसको निकाल दें। तो जो बंदा यहाँ पे हुआ ये था कि हम यहाँ पे अगर भाई आपको दिखा सकते हो उधर दिखाएं जरा, मसला ये हुआ था कि आज से 5-6 दिन पहले जो है 5-6 दिन पहले हुआ था कि एक भाई ने यहाँ पे ट्रांसलेटर है उन्होंने एक बात की थी नमाज के लिए कि हमें नमाज का टाइम दिया जाए, नमाज का टाइम दिया जाए। उस भाई को क्या हुआ था, उस भाई के साथ क्या हुआ था कि उसको फारिग कर दिया गया। फिर उन्होंने सारे लेबर जो है उन्होंने एहतियातन जो है वहाँ पे जाके जब बात करना चाहिए, ये भाई है ट्रांसलेटर इनको फारिग किया गया है ड्यूटी से। नहीं नहीं हुआ ये था, उस भाई को फारिग नहीं किया, उसको सिर्फ इस वजह से एक अच्छा कार्ड प्ले किया, उसको बोला कि आपको ऑफिस में लगाना है, ठीक है इस वजह से आपको वहां से निकाले, ठीक है एक दिन उससे ड्यूटी करवाई और दूसरे दिन जो है उसको जो है उसकी ड्यूटी से फारिग कर दिया गया। ठीक है आज के दिन ये जो है एक और भाई है ट्रांसलेटर है हमारे, ठीक है उन्होंने ये गुलाम भाई है ये खड़े हुए अगर उनको दिखा सकते हैं आप, ठीक है इन भाइयों ने बात की थी, ये भाई इन्होंने बात की थी नमाज के लिए कि हमें नमाज का टाइम दिया जाए। तो हुआ ये है कि इस भाई को बड़े पोलाइटली उन्होंने दफ्तर में बुलाया कि आपको ऑफिस में बुलाया जा रहा है, वहां पे उसके 4-5 दिन जितने भी लगे थे उसको उसकी क्लियरेंस करके उसके पैसे उसके हाथ में थमा दिया, साथ में 2 गार्ड भेजे, गार्ड भेज के उसको कहा गया कि इसको गेट से जो है ना वो बाहर कर दिया जाए। तो मसला सर ये है कि हम ये चाहते हैं कि इस बात को इग्नोर नहीं किया जाए, इसका कोई ना कोई हल निकाला जाए और ये जितने भी भाई ये वीडियो देखेंगे मेरी उनसे बड़ी हम्बली रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा आप फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे जितने आपके अकाउंट्स हैं उन सब में जो है ना इसको ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए कि ये आवाज जो है हमारी पैमाने बाला तक जाए और इसका कोई ना कोई हल हो जाए। बड़ी मेरे